पद इसमें देखना है, ठीक है ना, पद देखना है, घात नहीं देखना। क्या देखना? पद देखना, घात नहीं देखना है, ठीक है ना। तो पद क्या, देखो पहले पद तुमको दिखाता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो ए एक्स है हुआ, ये तो दो है लेकिन ए और एक्स का गुणा के, लेकिन ये जो है एक ही घर में, ये कितने घर में, एक ही घर, ये हो जाएगा एक पदी है। और देखो ये भी का ए बी, ए बी ये भी एक पदी, अरे एक ही घर में, तो एक ही घर में होगा, है ना, एक ही घर में होगा। सी भी अकेले ही है, सी अकेले, लेकिन अकेले ही है, लेकिन ये एक ही घर में है। तो एक दो तीन, ये कौन हो गया, हुआ तीन पदी हो गया, समझी। अब यहाँ देखना तुम्हारा हिसाब, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस, तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही अपना ही घर में, ठीक, यानी मम्मी और बेटी है तो वो अपना घर में है ना, तो ये अपना घर में, एक घर में है, और ये इसमें खाली मम्मी ही है, तो मम्मी है ही, तो ये भी अपने घर में, तो एक एक दो पद हो गया, दो है ना, ये कौन सा पदी होगा, दो दुई पदी, दो पदी, ठीक है। और ये क्या, अकेले ही है, इसमें बूढ़ा खाली बच बैठा, ठीक है, अकेले है ना, माने अचर पद, क्या अचर पद, तो ये अकेले ही है, तो अकेले ही, तो कौन पद होगा, अब आता है, तो इसमें थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव है ना, तो थ्री एक्स हुआ स्क्वायर, तो ये एक घर में है, अलग तो नहीं, तो एक घर तो एक पदी वाला है, और ये भी एक पदी है ना, तो एक एक दो हो गए, और ये क्या हो जाएगा, दो ही पदी, तुम्हारा आंसर ये, ठीक है। अगला आता है फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू है ना, तो फाइव एक्स स्क्वायर क्या है, फाइव एक्स स्क्वायर क्या, यह एक घर में ही है, सिक्स एक्स क्या, ये अपना भी है घर में, टू क्या अचर पद है लेकिन अपना ही घर में है ना, तो ये इसमें कितने पद, एक पद, दो पद, तीन पद, या कौन सा आ जाएगा, पदी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अब आता है देखो शॉर्ट आंसर, आंसर टाइप क्वेश्चन, इसका अर्थ हुआ क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना, आता सिक्स नंबर है, निम्नलिखित का बहुपद, बहुपद फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री के मान ज्ञात करें, के मान ज्ञात करें, नंबर एक एक्स बराबर जीरो, नंबर दो एक्स बराबर वन, नंबर तीन एक्स बराबर माइनस थ्री, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है सिक्स नंबर जो है एक्सरसाइज 3.1 का जो है, है ना, क्या कर रहा, निम्नलिखित का बहुपद 5x² - 2x + 3 का मान ज्ञात कर, क्या कर रहा है, मान ज्ञात कर, यानी मान ज्ञात करना है बुआ। अब तुम्हारा x बराबर दिया हो एक नंबर जीरो, दो नंबर वन, तीन नंबर माइनस थ्री, थ्री देखो, तो मेरा बहुपद क्या, बहुपद क्या, बहु पद बराबर 5x² - 2x + 3, ये हुआ कुछ नहीं किए, ये बहुपद जो यही उतार के, ठीक है। अब यहाँ क्या बता रहा है, माना कि, माना कि px = 5x² - 2x + 3, मान लीजिए, माना कि, मान लीजिए px = 5x² - 2x + 3, मान लीजिए। अब क्या करना, x के जगह जीरो रखेंगे, नंबर एक
नंबर एक एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो, यानी जो एक्स बराबर जीरो यहाँ जैसे एक्स रखेंगे ने सभी जगह जहां जहां एक्स है वहां मान का हो जाएगा जीरो हो जाएगा। देखो इधर तो पी एक्स था तब सभी जगह एक्स एक था यानी पी हम जीरो रखेंगे क्योंकि यहाँ एक्स के मान एक नंबर में क्या है, एक्स के मान जीरो रख के हमको मान ज्ञात करने बोल रहा है समीकरण कि जीरो एक नंबर जीरो रखो और मेरा मान जो आता वो निकाल के दो। ठीक है तो हमको यहाँ पी के मान एक्स रखे तो सभी सभी बहुपद में क्या हुआ एक्स स्क्वायर पर है ना सभी एक्स, लेकिन हम यहाँ क्या रखेंगे जीरो रखेंगे तो फाइव एक्स के मान क्या हो जाएगा जीरो का स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस माइनस टोटल गुना कितना जीरो प्लस थ्री। ठीक है आप देखो बुआ कोई भी अंक जीरो से गुना किया जाता है तो जीरो ही होता है, कोई भी अंक जीरो से गुना किया जाता है क्या होता है जीरो ही हो जाता है। देखो यानी फाइव को गुना करेंगे जीरो गुना जीरो तो क्या हो जाएगा फाइव होगा नहीं क्या हो जाएगा जीरो ही होगा यानी जीरो हो गया मान। अब टू को गुना कर रहा हूँ किससे जीरो से तो क्या हो जाएगा अब देखो प्लस आ गया तीन जो है इस पर कोई टच नहीं कर रहा कोई टच कर रहा नहीं कर रहा वो तीन ही रह जाएगा हुआ जीरो जीरो कोई वैल्यू से नहीं हो जाएगा और थ्री आंसर तुम्हारा आ जाएगा एक नंबर आ गया। अब दो नंबर में क्या बोलता है दो नंबर में क्या बोलता है एक्स के मान वन रखे एक्स के मान वन रख के जो वैल्यूशन आता है वो राशि बहुपद को निकालने के लिए तो अब चलना है माना कि पी एक्स क्या बहुपद मानेंगे पी एक्स बराबर का फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री हम जो यही तीनों जो दिया है एक्स एक नंबर एक्स बराबर जीरो एक्स बराबर वन एक्स बराबर माइनस थ्री यह जो बहुपद ही तीनों के लिए क्या चीज के लिए तीनों के लिए ये नहीं कि इसका अलग हो गया उसका अलग है नहीं ये बता रहा है कि इसके लिए जो हम फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री के मान के लिए ज्ञात कीजिए जो x बराबर जीरो x बराबर वन x बराबर माइनस थ्री। ठीक है ना तो आप दो नंबर में आता है तो माना कि पी एक्स बराबर फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री अब क्या करना है तो दो नंबर हुआ x बराबर वन अब जहां जहां x है मामा क्या मानना है वन मानना है जहां जहां अब देखो पी वन बराबर फाइव एक्स स्क्वायर अब देखो फाइव एक्स नहीं होगा यहाँ क्या होगा वन होगा वन का गुना वन क्या इसको घेर दो स्क्वायर माइनस टू एक्स के जगह क्या होगा वन होगा क्या होगा वन होगा प्लस थ्री अब देखो फाइव वन का स्क्वायर यानी वन गुना वन ठीक है माइनस माइनस टू गुना वन क्या होता है टू प्लस थ्री अब देखो वन गुना वन हुआ और वन गुना वन अब फाइव गुना वन फाइव क्या हुआ फाइव माइनस टू प्लस थ्री तो देखो इसका आगे प्लस कोई चिन्ह है जिसका आगे नहीं है तो उसका आगे मानना क्या प्लस तो थ्री और फाइव को एड कर देंगे तो एट हो जाएगा और माइनस टू कर दूंगा तो कितना हो जाएगा सिक्स तुम्हारा आंसर कहा जाएगा सिक्स तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पे देख देख ना बता देता हूँ तीन नंबर को क्या होता है वही देना माना की बहुपद पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबा फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री यानी माना एक्स बराबर अभी क्या माना है एक्स बराबर क्या माना है माइनस थ्री माना क्या माना माइनस थ्री अब देखो जहां पी माइनस थ्री मानूंगा ठीक है जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस थ्री रखेंगे यानी देखो फाइव गुना एक्स के जगह क्या रखेंगे माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस टू एक्स के जगह है ना एक्स के जगह क्या रखेंगे माइनस थ्री रखेंगे और प्लस थ्री अब देखो बुआ थ्री थ्री
अब देखो यहाँ देखो माइनस थ्री का स्क्वायर का हो जाता है माइनस थ्री गुना माइनस थ्री, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, थ्री थ्री जा नाइन, क्या हो गया थ्री थ्री जा नाइन, तो क्या हो गया फाइव गुना नाइन माइनस। अब देखो माइनस माइनस प्लस और टू के थ्री तीन रास्ते जो है ना तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा सिक्स और प्लस आपका हो जाएगा इसको गुना करें पैंतालीस का है इसको जोड़ दो छः प्लस नौ आप जोड़ दो जोड़ कितना आता है चौवन कितना आएगा चौवन यही तुम्हारा आंसर ना आएगा